हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में ईसाइयों को मिली धमकी, और ये बात कितनी सच्चाई का है हम आज जानने वाले हैं। कि आप सब ने सुना होगा, ईसाई धर्म को लेकर के बहुत सारी चर्चा में बने रहती है, और इसे ही बीहेपी यानी कि हिंदू विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये धमकी दिया गया है। और दोस्तों, ये खबर इंटरनेशनल पे एक वेबसाइट से मिली है, और वो खबर इंग्लिश में छपी हुई है, लेकिन मैंने आप सबके सामने हिंदी में इस चीज़ का बताने का मैंने प्रयास किया है। आप जाके इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जा सकते हैं, वहाँ से आप विजिट करके आप उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मध्य प्रदेश में ईसाइयों को मिली धमकी, और सबसे पहले इन लोग को कोलकाता, ये वही फोटो है जो कोलकाता में एक प्रदर्शन के दौरान ये फोटो क्लिक की गई है। और आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है। अब भारतीय मध्य भारतीय यानी कि राज्य प्रदेश में ईसाइयों को मिले धमकी, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति से अपने चर्चों को ध्वस्त करने के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं को पूरी धमकी के बीच में इन सबको सुरक्षा प्रदान करने का एक आग्रह किया है। और साथ ही राज्य के प्रोटेस्ट सालोम चर्च के सहायक बिशप पॉल मुनिया ने कहा है कि ज़्यादातर विश्व हिंदू परिषद बिहेव विश्व हिंदू परिषद के हिंदू कार्यकर्ता उन्हें 26 सितंबर को हमारे चर्चों को ध्वस्त करने की समय सीमा तय की गई है, और जिसमें आरोप लगाया है उन्होंने कि अवैध तरीका से चर्च की संरचनाएं हैं, और जहां इसमें जाबुओं जिला आदिवासी बहुल इलाका है। और उन्होंने 20 सितंबर को यूसीएन न्यूज को बताया था कि बीहेफ ने ईसाई धर्म का पालन करने के खिलाफ स्वदेशी ईसाइयों को दी धमकी, और उन्होंने अपने धर्म पे लौटाने के लिए, अपने हिंदू धर्म पे लौटने के लिए उन लोग धमकी दे रहे हैं। साथ में ही कहा है कि धर्माध्यक्ष यानी कि बिशप ने कहा है कि हमने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 17 सितंबर को जिला कलेक्टर के माध्यम से इस ज्ञापन को सौंपा है, जिसमें स्वदेशी ईसाइयों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। और इसमें आगे कहा है कि बिशप मुगिया ने कहा है कि आरोप लगाया है कि जब स्थानीय प्रशासन दक्षिणी प्रांतीय समूह का पक्ष ले रहे थे और ईसाइयों को परेशान कर रहे थे, जो कि जिले के 10 लाख आबादी का 4% हिस्सा, जिसमें ईसाइयों विरोध हिस्सा में वृद्धि हुई है। जब मध्य प्रदेश में कैथोलिक चर्च के जनसंपर्क अधिकारी फादर मारिया स्टीफन ने कहा कि जिले का सर्वोच्च राजस्व और पुलिस प्रशासन दोनों ईसाइयों के खिलाफ पक्षपाती कर रही है, जबकि ईसाई शांति प्रिय है। हम अपने समाज में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए न्याय उपायों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूसीएन न्यूज़ को बताया था कि दक्षिणी प्रांतीय हिंदू विचारधारा वाले कुछ व्यक्तियों और संगठनों ने ईसाइयों को उनके चर्चों के विश्वास के साथ खुले तौर पर धमकी देना शुरू कर दिया है, और साथ ही यह भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जब 24 अगस्त को जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थानों को एक पत्र में कथित अवैध ईसाइयों धर्म हॉल को बंद कराने के लिए जिले में तथा कथित धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों को रोक लगाने के लिए बीहेप अभियान की सहायता करने का निर्देश जारी किया था। इसी तरह 13 सितंबर को भी एक जिला राजस्व अधिकारी ने ईसाई पुजारियों को 22 सितंबर को या उससे पहले खुद को उनके सामने पेश करने और उनकी धार्मिक गतिविधि की प्रकृति की व्याख्या करने की निर्देश दिया गया था। अधिकारी ने पुजारियों के रूप में उनकी नियुक्ति और धर्मांतरण गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। ठीक है, अधिकारी जब पत्र में पुजारियों के यह प्रमाणित करने के लिए कहा गया है कि क्या वे स्वयं किसी भी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की धमकी देते हुए यदि वे खुद व प्रलोभन या बल के माध्यम से परिवर्तन किए थे। अधिकारी का ये कहना है कि क्या जो धर्मांतरण कर लिए हैं या फिर वो किसी तरह का कोई प्रलोभन या फिर किसी तरह का कोई लोभन देकर के परिवर्तन किए हैं, इस पर कानून कार्रवाई करने की भी धमकी दे रहे हैं। अगर आपको ये वेबसाइट अगर आपको जानना है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं, खुद आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।